प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा आराधना मालवी को सम्मान मिला। बता दें कि इंटरनेशनल दिव्य परिवार सोसाइटी एक सांस्कृतिक संगठन है जिसके द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विगत 7 वर्षों में देश के 27 राज्यों में भव्य आयोजन किए गए। इन आयोजनों में संस्था की पाक्षिक पत्रिका चाणक्य वार्ता द्वारा राज्य विशेषांकों का प्रकाशन किया जाता है जिसमें राज्य के विविध क्षेत्रों पर शोधात्मक लेख प्रकाशित होते हैं। साथ ही संस्था उस राज्य के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों जिन्हें प्रदेश के विकास में योगदान दिया है उन्हें आचार्य चाणक्य सम्मान भी प्रदान करती है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में शनिवार 20 अगस्त को शाम को 3:30 बजे चाणक्य वार्ता के मध्य प्रदेश विशेषांक का विमोचन और आचार्य चाणक्य सम्मान 2022 प्रदान किए जाएंगे। समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल हैं। मंच पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मी नारायण भाला, चाणक्य वार्ता समूह के अध्यक्ष डॉक्टर अमित जैन, प्रोफेसर अवनीश कुमार चाणक्य रिटेक, प्रोफेसर अवनीश कुमार, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर देवेंद्र दीपक चाणक्य वार्ता के पूर्वी क्षेत्र प्रभारी प्रकाश बेताला, मध्य प्रदेश प्रभारी लखनलाल चौरसिया और मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ विनोद कुशवाहा उपस्थित रहे आदि। इस भव्य समारोह में आचार्य चाणक्य सम्मान 2022 संस्थागत श्रेणी में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के साथ मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी को, मरणोपरांत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेठ वर्दी चंद जैन को व्यक्तिगत श्रेणी में, आई सेक्ट के चेयरमैन डॉक्टर संतोष चौबे, वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, भील कलाकार पद्मश्री भूरीबाई, कथाकार डॉक्टर मुकेश वर्मा, विख्यात पत्रकार डॉक्टर जवाहर कर्नावट, जनजातियों के उत्थान के लिए कार्यरत समाजसेवी सुनील शर्मा, वरिष्ठ लेखक सुनील सक्सेना, सुषमा महिला जनकल्याण और बाल विकास शिक्षण समिति की अध्यक्षा समाजसेवी आराधना मालवीय, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने वाले समाजसेवी मनीष अग्रवाल और शोधकर्ता डॉक्टर मुरली मनोहर को दिया जाएगा। आमला से राजेश कोगे की रिपोर्ट।